बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में क्लास में। आप लोगों को पता है कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथ त्रिकोणमितीय समीकरण, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और हमारी बुक जो है बालाजी पब्लिकेशन की बुक है। और बहुत ज़्यादा जो है आपके कमेंट आ रहे थे, इसलिए मुझे फर्स्ट ईयर की मैथ बनानी पड़ी बालाजी पब्लिकेशन की बुक से। तो ये देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये आपका दिया हुआ है साइन थीटा इंटू प्लस साइन 2 थीटा और प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस कॉस 2 थीटा। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें सीडी लगाना पड़ेगा, इसमें इन दोनों में लगा देते हैं हम लोग सीडी। तो यहाँ पर साइन सी प्लस डी का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी को सी मान सकते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, बड़े को जिससे आसानी लगे। तो पहले इसमें होता है साइन सी प्लस डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो यह हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 3 थीटा बाई थीटा प्लस थीटा इंटू 2 और ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 और ये प्लस का साइन 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी आप करिए हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 साइन 3 4 थीटा 2 से डिवाइड करेंगे 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कितना है 3 थीटा और थीटा, तो यहाँ पर थीटा निकल जाएगा तो 2 थीटा बचा, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस का साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों में आपका कॉमन आ रहा है साइन 2 थीटा को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर जब कॉस थीटा जब कॉमन कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको चाहे तो काट सकते हैं लेकिन काटेंगे इसको इस साइड लाएंगे, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस 2 कॉस थीटा, इसको भी लिख लेंगे। अब जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, 1 प्लस 2 कॉस थीटा कॉमन है इसको लिख लेंगे और साइन 2 थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा। अब बहुत ध्यान देना है, एक एक पद लेना है आपको, तो कोई भी पद हम ले लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू ये उधर चला जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ से फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 1 बाई 2। अब माइनस का 1 बाई 2 ए एस पी सी वाले फॉर्मूले से देखेंगे तो माइनस का किसमें होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस का हो जाता है और ये 1 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कॉस, इसको चेंज करोगे पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि मुख्य मान जो मैंने बताया था तो यहाँ पर फॉर्मूला बताया था इसके लिए पाई माइनस 3 लगता है। अब फिर यहाँ पर आप क्या करोगे कॉस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस इसको सॉल्व कर लोगे 3 से ये निकल जाएगा आपका तो 2 पाई बाई 3 बचेगा, इसको आप देख सकते हैं 2 एम पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। और उसके बाद में हम इसका जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकालेंगे, इसका जनरल वैल्यू ऑफ थीटा यहाँ पर निकालेंगे
जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2m पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। एक आंसर आपका ये आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। ये नोट कर लीजिए तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ आगे। ये आपका एक हो गया, चलिए अब दूसरे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब आपको करना है इसका, तो इसमें क्या करेंगे आप, साइन टू थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर जीरो, तो ये आपका हो जाएगा साइन टू थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं क्या कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। आप क्या करेंगे यहाँ पर, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा एन पाई, एन पाई लेकिन ये टू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा प्लस माइनस वन की पावर एन, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी देखिए अभी थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा अभी हमको, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा टू थीटा हो जाएगा इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, ये इधर आएगा तो कितना जाएगा थ्री थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाई टू, अब उसके बाद आप थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा पाई बाई सिक्स हो जाएगा। अब आप जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकालेंगे, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा जब आप निकालोगे तो कितना जाएगा, लिखेंगे एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन और पाई बाई सिक्स, ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा उसका, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉन्ग है, नोट कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हुआ आपका, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर टू, फोर्थ का टू है, टू पार्ट, इसमें क्या दिया गया है साइन फोर थीटा माइनस साइन टू थीटा इक्वल टू आपको दिया गया है कॉस थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, जिसमें पहले कॉस होता है तो टू कॉस सी माइनस डी, सी प्लस डी, सी प्लस बी बाई टू, और उसके बाद आ जाएगा साइन होता है साइन सी माइनस डी, सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा, और घर आपका कॉस थ्री थीटा है, बहुत सारे लेकर यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा टू, इसको जब सॉल्व करेंगे सिक्स हो जाएगा, सिक्स से टू डिवाइड हो जाएगा तो आपका थ्री थीटा बचा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन फोर थीटा से टू थीटा निकालेंगे तो टू थीटा, आपको डिवाइड करेंगे तो थीटा, और इसको भी इधर ले आते हैं कॉस थ्री थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन आप लेते हैं कॉस थ्री थीटा, तो क्या बचेगा टू साइन थीटा माइनस का वन बच जाएगा भाई आपका। अब यहाँ पर आप देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, टू साइन थीटा माइनस का वन ले लिया बराबर जीरो, तो कितना जाएगा टू साइन थीटा बराबर हो जाएगा वन, और साइन थीटा बराबर जब निकालेंगे तो कितना जाएगा वन बाई टू, और वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है साइन पाई बाई सिक्स की, यानी कि थर्टी की वैल्यू वन बाई टू, तो यहाँ से जब हम जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकालेंगे, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई सिक्स, ये आपका आंसर है, एक आंसर आपका ये हो जाएगा। अब दूसरा आपके पास है कॉस थ्री थीटा, और इसका फार्मूला होता है फोर कॉस एक थी कॉस टू थीटा माइनस का थ्री कॉस थीटा, और इसको रखना किसके बराबर है जीरो के बराबर रखना है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे इन दोनों में आप कॉमन ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे आप कॉस थीटा, कॉस थीटा जब कॉमन ले लेंगे आप तो कितना बचेगा फोर कॉस
स्क्वायर बचेगा थीटा माइनस का थीटा इक्वल टू जीरो, इसको जीरो बराबर कर देंगे तो कितना हो जाएगा फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का थ्री इक्वल टू जीरो, फिर हो जाएगा फोर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा थ्री बाई फोर, और कॉस थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे हम तो हो जाएगा अंडर रूट थ्री बाई टू प्लस माइनस। अब उसके बाद क्या करेंगे आपको देखना है कॉस थ्री बाई टू किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है आपकी पाई बाई थ्री की, कॉस पाई बाई थ्री की ये वैल्यू होती है। यहाँ से फिर और जब सॉल्व करेंगे इसको तो लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री लिखेंगे। अब यहाँ से फिर जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकाल लेते हैं, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, उसका भी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकाल जा सकता है, तो इतना क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि ये पाई बाई थ्री का मतलब 60 होगा लेकिन ये 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा और फिर है कॉस अल्फा प्लस टू थीटा इसको टू जीरो दिया गया, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब आप इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों में आपको सीधी लगाना है, इसको आप छोड़ देते हैं, तो इनमें आपको सीधी लगाना है, इसको सी मान लेते हैं इसको डी मान लेते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जब कॉस सी माइनस डी होता है तो सी माइनस डी, जब कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है दोनों साइन बन जाते हैं टू साइन ए सी को सी मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस टू थीटा अपॉन टू और उसके बाद हो जाएगा साइन डी माइनस डी, तो अल्फा प्लस टू थीटा माइनस का अल्फा अपॉन टू, और आपको इसको ऐसे लिखना है कॉस अल्फा प्लस थीटा को आपको वो बहुत लिख देना है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा टू साइन टू अल्फा है और यहाँ पर टू थीटा है, तो टू से टू डिवाइड हो जाएगा कितना बचेगा अल्फा प्लस थीटा बचा, सॉरी लेकिन यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा कि ये आपका माइनस का है, ये दोनों आपके किसके होंगे प्लस होंगे, तो जब प्लस के होंगे तो ये सूत्र जो है आपका प्लस का हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इसलिए ये आपका कॉस हो जाएगा कॉस, अब यहाँ पर अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपका थीटा बचा माइनस का कॉस अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कॉस अल्फा प्लस थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपका टू कॉस थीटा माइनस का वन इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे पहला सिस्टम लगेगा आपका कॉस अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू आप करेंगे क्या जीरो करना होगा आपको कॉस अल्फा प्लस थीटा को, तो कॉस अल्फा प्लस थीटा को जब जीरो कर दोगे तो फिर देखिए क्या होगा,
ये जीरो वैल्यू होती है किसकी, ये आपको देखना है, कास में जीरो किसकी वैल्यू होती है, कास 90 की वैल्यू होती है, कास 90 की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर जब कास 90 वैल्यू हो गई तो यहाँ पर आप निकालेंगे अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू, सॉरी कॉस अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस थीटा जब आप निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और जब यहाँ से जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकालोगे, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा तो हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 और माइनस का अल्फा, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी एक आंसर आपका और निकलना है इसमें, वो निकलेगा कहां से, वो ये वाला आंसर निकलेगा, सेकंड आंसर 2 cos थीटा इक्वल टू माइनस का 1/1 हो जाएगा। तो यहां से जब आप करोगे तो 2 cos थीटा बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/2, और 1/2 यानी कि वैल्यू किसकी होती है, कॉस 60, तो 60 का मतलब होता है पाई बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर और आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब यहाँ से जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकाल लीजिए यानी कि व्यापक मान, तो क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आपका आंसर। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई दिक्कत होगी तो। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं, पहले देखते हैं कि हम उसकी जगह पर लिखेंगे क्या, थोड़ा आसान करने का प्रयास करते हैं, होता तो आसान ही है, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर इस सूत्र का हम प्रयोग कर लें यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बी का। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको पता है कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से सूत्र निकालते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा का, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और ये 2 जो है आपका इसके नीचे आ जाएगा। तो इसी रूप में सब क्वेश्चन को हमें कर देना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/2, और इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2n थीटा लिखेंगे, फिर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस, और इसकी जगह पर आप देखिए क्या लिखेंगे 2n माइनस 1 थीटा लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा कितना 1/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, यहां पर लिखेंगे कॉस 2 थीटा लिखेंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं सभी के पास आपका 1/2 आ गया है, तो अब क्या करेंगे 1/2 को आप खत्म कर सकते हैं, 1/2 सारा खत्म हो जाएगा, तो आपका ये क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2n थीटा, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 प्लस कॉस 2n माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये इतना हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर आपको करना है, या एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको यूज ना करें, हम यहाँ पर इसको ऐसे ही रख लें साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका ये क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको हो जाएगा कॉस 2n माइनस 1 थीटा माइनस का कॉस 2n थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप लगा दोगे सीडी, तो कॉस सी माइनस डी है, तो यहाँ पर क्या करिए आप सी माइनस डी है तो आपका दोनों साइन में हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी 2n माइनस 1 थीटा प्लस 2n थीटा अपॉन
टू हो जाएगा और उसके बाद आपका ये हो जाएगा साइन टू एन थीटा माइनस वन, टू एन माइनस वन इंटू थीटा अपॉन टू हो जाएगा और आपका ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए टू साइन अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो टू एन थीटा यहाँ पर, टू एन थीटा यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे फोर एन थीटा हो जाएगा, या आप टू को कॉमन कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एन थीटा एक है तो एन अंदर चला जाएगा, थीटा भी कॉमन है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा टू एन माइनस का वन और उसके बाद थीटा बाहर कर लेंगे अपॉन में इंटू साइन। यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या होगा, अगर टू को हम कॉमन कर लेते हैं, टू को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर है एन है और उसके बाद माइनस का एन ये है और ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का वन हो जाएगा और ये आपका बाहर थीटा रहेगा, होल अपॉन कितना है टू है इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, तो टू से टू आपका ये कैंसिल होता चला गया, टू से टू कैंसिल हो गया और इस एन से ये एन भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा टू साइन टू एन माइनस थीटा और इंटू साइन थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आप समझ लीजिए इतना। इसके बाद आपको क्या करना है वो चीज़ ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आप क्या करोगे साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाओगे, कितना हो जाएगा टू साइन टू एन माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से आप फिर साइन थीटा को कॉमन कर लोगे तो कितना हो जाएगा टू साइन टू एन माइनस वन और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा इसको जीरो। इतना क्वेश्चन आप नोट करिए तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन इतने बड़े हैं कि हमें हमारा जो बोर्ड छोटा पड़ रहा है। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको ए साथ लिखेंगे साइन थीटा को पहले लिख लेते हैं, हम पहले लिखते हैं साइन थीटा को हम जीरो के बराबर कर देते हैं, तो जब साइन थीटा को हम जीरो के बराबर करेंगे तो जीरो किसकी वैल्यू होती है उसमें साइन जीरो की ही वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आपका निकल के क्या आएगा सीधे सीधे यहाँ पर सीधे हम एम पाई कर देंगे क्योंकि अल्फा कुछ है नहीं तो उसको आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगला हमारा रहेगा टू साइन ब्रैकेट में दिया है टू एन माइनस वन माइनस का साइन थीटा इक्वल टू जीरो, ये आपको दिया गया है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, अब इसको जो है आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा जिस प्रकार से हम लोग कर रहे थे और उसके बाद में फिर इसका भी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आराम से निकाल लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो फाइव है वो कुछ हद तक जो है क्वेश्चन नंबर थ्री की तरह मिला हुआ है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा है कॉस थ्री थीटा कॉस फाइव थीटा माइनस कॉस सेवन थीटा और कॉस नाइन थीटा, तो इसके कुछ फार्मूले होते हैं दो से गुणा अगर हम पूरे में कर दें, इसमें हम क्या कर देते हैं सब पूरे में दो से गुणा कर देते हैं, जब दो से आप गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा टू कॉस बोथ साइड कर देते हैं थ्री थीटा कॉस फाइव थीटा माइनस का टू कॉस सेवन थीटा और कॉस नाइन थीटा हो जाएगा, बोथ साइड कर दिया तो जीरो में दो से गुणा करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं मिलेगा, और उसके बाद टू कॉस ए कॉस बी का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या होगा टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला आपका होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी,
cos एक प्लस दे, तो 5 थीटा प्लस 3 थीटा कर लेंगे और प्लस का cos a माइनस b यानी कि 5 थीटा माइनस का 3 थीटा कर लेंगे। यहां पर भी डायरेक्ट वही काम करेंगे, तो एक हो जाएगा cos 9 थीटा प्लस 7 थीटा हो जाएगा और यहां पर आपका माइनस का हो जाएगा cos 9 थीटा माइनस का 7 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर यहां पर देखिए, यहां पर आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8 थीटा होगा और ये आपका cos 2 थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 9 7 16 थीटा होगा और ये माइनस का हो जाएगा cos कितना 2 थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां पर आपका कॉमन आपको मिल रहा है cos 2 थीटा आपको कॉमन मिल रहा है, या सॉरी cos 2 थीटा जो है आपका कॉमन क्या मिल रहा है इसको आप कट कर सकते हैं, इसको आप कट कर दीजिए, कट कर दिया आपने तो आपके पास क्या बचा cos 8 थीटा और cos 16 थीटा। तो इसमें आप क्या करेंगे, फिर आप cd का फार्मूला लगा देंगे, तो जब cd अब इसमें cd लगा दीजिए तो cos c माइनस d का लगेगा तो कितना हो जाएगा 2 sin में दोनों होते हैं तो 2 sin 16 थीटा और माइनस का सॉरी 8 थीटा पहले प्लस का कर लेंगे और उसके बाद में sin 16 थीटा और माइनस का 8 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 sin और ये हो जाएगा 24 यानी कि 12 थीटा इनटू sin 4 थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, अब इसका आप चाहे तो अलग अलग निकाल सकते हैं, अब इसका अलग निकाल लीजिए sin 12 थीटा का निकाल लीजिए 0 के बराबर तो ये क्या हो जाएगा sin 0 ही होता है। तो यहाँ पर आप जब इसकी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकालेंगे, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकालेंगे आप तो केवल आपका n पाई आएगा और ये 12 जो है इसके नीचे चला जाएगा। इसी प्रकार से जब sin 4 थीटा का आप निकालोगे sin 4 थीटा इक्वल टू 0 तो ये भी क्या हो जाएगा sin 0 हो जाएगा और जब जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आप इसकी निकालोगे तो कितना हो जाएगा n पाई बाई 4 ये भी आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।